बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सारे उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का करम से। जी मैं ये पंडेल लेके आए हैं शिकार से। ये देखिए ये चार पंडेल हैं। ये टील है, इसका हमें बनाना पड़ा। ये पीस हुए हैं, इसको मैंने डिश के अंदर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से। आज मैं बनाने लगी हूँ मुर्गाबी का चटका। ये देखिए मैंने सारी ये मुर्गाबी साफ कर ली है। चार जो पंडिया थे, दो छोटी डीर थी, चार किलो चावल है, तीन पाव टमाटर है, दो प्याज है, ये एक पाव नींबू है, ये गर्म मसाला सारा मिक्स मैंने दालचीनी लौंग दालचीनी वगैरह पौड़ी इलायची है, ये लहसुन है, ये अदरक है, ये चैनी साल्ट है, टेबल स्पून ये सब्ज मिर्च है, ये गरम मसाला जो मैंने बॉयल करने वक्त दिया। चलते हैं बनाने की तरफ। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, डाल दिया थे जितने पत्ता सब्जी ये डाल रही हूँ, ये गरम मसाला ये डाल तेज स्वाद पत्ते दो डाल दिए, ये तीन टेबल स्पून के अंदर नमक डाल दूंगी, ये डाल दिए। ये फ्रीज हुआ हुआ है, इसके अंदर डालूंगी। बस इसके अंदर और पानी डालूंगी, जब ये सारा खुल जाएगा फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, ये टमाटर का पेस्ट बड़े बॉल में डाल रही हूँ, ये चैनी सॉल्ट ये भी डाल रही हूँ, ये सारी चीजें इकट्ठी कर देंगे। ठीक है, ये सबज मिर्च ये भी डाल रही हूँ, ये गरम मसाला डाल रही हूँ, चार टेबल स्पून के अंदर नमक डालूंगी, चार टेबल स्पून नमक डाल दिए। अब नींबू का रस निकाल के ये भी डालूंगी इसके अंदर, ये काली मिर्च पीसी हुई एक टेबल स्पून ये डाली, हाफ टेबल स्पून के अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, एक चुटकी बराबर ये हल्दी डाल रही, ये टेबल स्पून भर के खुशक धनिया पाउडर ये डाल रही, एक टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला ये डाल रही। ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। अब मैं अदरक का पेस्ट बना के ये भी डाल दूंगी, ये नींबू का रस निकाल के ये भी डाल दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सारा गोश्त खुल गया है, मैं इसको बैटर लगाऊंगी, जब इसकी सीटी खुलेगी हमने इसको 5 मिनट रखना है। ये रख दिया, ये नींबू का रस निकल रहा है, ये मैं छानने के अंदर छान के इसके अंदर डाल दूंगी। पेस्ट एक अदरक का पेस्ट एक टेबल स्पून जी ये डाल रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैंने वेट करना है, जब हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा फिर अगला काम फिर शुरू करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए गोश्त हमारा बॉयल हो गया, मैंने ये प्याज डाल रही हूँ साथ, प्याज होते हैं इसके अंदर गोश्त डालती हूँ।
हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। ये मैंने सारे मसाले इकट्ठे किए थे ना, मैंने इसकी अच्छी तरह बताया। तीन बॉल ये यखनी के थे, एक पैसे डालोगे, तीन के हमारे डोंगे चावलों के हैं, चार डोंगे पांच डाल। चावल अच्छी तरह वाश करके आधा घंटा पहले भिगो दिया था इनको। इसी तरह मैंने सारे चावल ये देखिए मैंने सारे चावल डाल दिए। अब इसके अंदर चम्मच नहीं हलाना, हलाना भी पड़े बड़ा आराम से, बड़ा प्यार से चावल टूटे नहीं। नमक मुझे कम लग रहा है, इसके अंदर और डालूंगी। उसमें ज्यादा नमक आप डाल सकते हैं जितना आपको जरूरत पड़े। ठीक है, देखिए ये 4 किलो चावल है, 3 किलो इसके अंदर ये मुर्गा का गोश्त है। ये शुरू से ही मेरी आदत है कितने देर चावल पकाने की। हमारी जो फैमिली भी बड़ी है, जब से ससुराल में आई हूँ इसी तरह पुलाव बनाओ, सजन बनाओ, रसगुल्ला बनाना है, हांडी बनानी है, जो भी बनानी है, मेरे लिए मुश्किल आई। बहुत आसानी से मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। जितने भी मेहमान हो मैं हैंडल कर लेती हूँ, चाहे 100 है, चाहे 50 है, जितने भी मेहमान है सब कर लेती हूँ। आगे से अपनी बेटियों को भी ये भी सिखाया है, आप भी सीखें, बहुत सिखाया है। पकाने में भी परेशानी नहीं होती। अब मैंने वीडियो बनानी अब शुरू की है, लेकिन 40 साल से मैं ये खाना तैयार कर रही हूँ, मुझे कोई मुश्किल काम नहीं करता, बहुत मैं आसानी से खा लेती हूँ सारा। माशाल्लाह और है बस थोड़ी सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए यखनी खुशक हो गई है, मैं इसको पत्ता में लगाऊंगा और डाल दिया। 10 मिनट मैंने इसको दम लगाया, ठीक है 10 मिनट के बाद फिर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो गए, बंद कर दिया। हमारी रेसिपी पसंद है, आपने लाइक करना, शेयर भी करना, बेल लाइक कर देना। हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, दुआ में याद रखना। कमेंट में बताना है कि कैसे तैयार हुए, हमारा पुलाव पसंद आया आप लोगों को, इस तरह ये तैयार होता है।
हमारी वीडियो पसंद है आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन भी दबाना, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। कमेंट में बताना जी कैसे तैयार हुए, ये मेरी रेसिपी है, मैं इसी तरह तैयार करती हूँ, जितना भी पुलाव हो, ठीक है, तो बराती नहीं हूँ बिल्कुल।